मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत है सुबह के 10 से। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैं हो गई हूँ तैयार बैग लेके। तो मुझे जाना है मार्केट क्योंकि कल है मेरे घर में पूजा। तो दोस्तों कल मुझे करानी है अपने घर में आरती पूजा जो हर साल के सावन में होती है। इस साल तो क्या हुआ, अदमास की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो वो मुझे अब इस महीने करनी है, माघ के महीने में। तो कल है हमारे यहाँ आरती पूजा, तो इसके लिए आज मुझे कुछ खरीदारी करनी है, कुछ सामान वगैरह खरीदना है। तो मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह हस्बैंड के साथ निकल जाऊँ, और मौसम भी बहुत ठंडा है आज। मैं अभी देख रही हूँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं निकलती हूँ स्कूटी में हस्बैंड के साथ सुबह सुबह, तो यही छोड़ेंगे मुझे। तो दोस्तों ये देखिए मौसम कितना ठंडा। हाल है मार्केट का, और आते आते अभी हुआ है एक सीन कि कालशिल बाबा मंदिर के पास एक लेडी का पर्स चोर के छीन के भाग गया एक गुंडा। तो दोस्तों मार्केट आते आते आ गया है भैया का फ़ोन कि घर में आओ खिचड़ी खाने। तो मैं चली गई हूँ अपने मायके थोड़ी देर के लिए। तो मार्केट आ गया था मेरा भाई मुझे लेने, तो मैं पहुँच गई हूँ मायके। वाह, यहाँ तो बिस्तर में घुसे हैं भाई। तो यहाँ पापा बैठे हैं बिस्तर में, और यहाँ बैठा है हमारा विभू। और कैसे हो रहे, इतना ठंडा कर दिया तुमने यहाँ आते हैं। तो मायके में आते मिली है गुड़ की चाय, और मौसम इतना ठंडा है कि पापा बैठे हैं रजाई में। देखो रामगढ़ में बढ़िया धूप थी पापा, कोरा है। पापा यहाँ आए तो यहाँ कोरा हो गया। अब मैं बैठ के यहाँ पीती हूँ चाय। यहाँ मेरी खातिरदारी के लिए मटर छिली जा रही है, आज बनेगी मटर की खिचड़ी मेरे लिए ना विभू। मटर पुलाव, मटर पुलाव। पापा तो गए हैं ब्लड टेस्ट करवाने अपना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इजा कुने क्या मासा खिचड़ी तुम खाहा इजा खिचड़ी पा गए हैं ब्लड टेस्ट करवा के, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो दो टाइम का ब्लड टेस्ट हो गया ना, खा के भी बिना खा के भी। हाँ। तो भाई लेके गया था टेस्ट करवाने के लिए, दो बार चला गया सुबह से। बहुत ठंडा हो रहा ना, बहुत ठंडा हो रहा है। बर्फबारी भी हो सकती है, वैसे बर्फबारी हो सकती है 10 दिन के बाद है। पक्का पक्का प्रॉमिस तो ये लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में होगी बर्फबारी, तो ये मुझे लेके जाएगा दिखाने के लिए। तो एक ब्लॉग बनाएंगे फ्रिज में। तो दोस्तों ये कह रहा है फ्रिज है, फ्रिज वाली तो सभी देखते हैं कि विभू मुझे तो बर्फ खाने का बहुत ही शौक है। तो इसको बर्फ खाने का बहुत ही मन हो रखा है। तो पापा रामगढ़ से आए हैं और यहाँ इतना ठंडा करा दिया इन्होंने। नैनीताल में भी हवा चल रही, तो अब मैं खिचड़ी उचड़ी खा के निकलूंगी। विभू बता रहा है कि नैनीताल में क्या हो रहा है। विभू नैनीताल में गर्मी पड़ रही, गर्मी कहाँ हो रही है यार, ठंडा हो रही है, धूप है वहाँ बहुत है। हाँ नैनीताल में दोस्तों वैसे धूप है। तो आज मेरा मायके आने का कारण ये है कि आज यहाँ मेरी होगी खिचड़ी पार्टी। तो इस महीने जो होता है लड़कियों को खिचड़ी खिलाई जाती है, तो इसलिए आज मेरे को यहाँ इनवाइट किया है मेरे भाई ने। तो ये मुझे लेने आ गया था मार्केट खिचड़ी खाने के लिए। तो मुझे भी थोड़ा सामान भी खरीदना है। फिर दुकान से आ रहा है, क्या लेके आया विदू? बिस्किट लेके आया है। किसने दिया? बड़ी मम्मा ने दिया ना। बड़ी मम्मा ने दिया? नहीं, मम्मा गई है। अरे बड़ी मम्मा गई है कहाँ? उसके आदित्य ने दिया। आशू ने, आशू दादा ने, आशू दादा आशू ने दिया। ये कितना प्यारा मेरा गुजड़ू है ये। दोस्तों ये
बता दो दोस्तों को। महीना पूजा पाठ का, भगवानों का पूजा पाठ करो, क्या करें माघ के महीने में चिल बेटियों को खिलाओ। तो दोस्तों इस महीने जो होता है लड़कियों को खिचड़ी खिला के लिफाफा दिया जाता है, तो पहले टीका लगता है। देखो आप मुझे टीका लगा है। विभू वेदू क्या लगा है बुआ को? टीका टीका ना। और बुआ को क्या मिला गिफ्ट? लिफाफा। तो इस महीने लड़कियों की इतनी कदर होती है दोस्तों, देख लो मायके में बढ़िया खिचड़ी और चटनी। दो लड़कियां आ चुकी है, हमारे दो लड़कियां आ चुकी है, अभी एक और को आना है। पापा ब्लड टेस्ट करा के भी आ गए हैं, इनका शुगर का टेस्ट हुआ है। नवेदू तुम मेरे फोन को पकड़ लो और अभी रिपोर्ट मिलेगी थोड़ी देर में। हिम्मत और हिमाकत मत करना। ये अपने पापा का चमचा है, ये अपने पापा को स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने देता है और कहता है दूसरे वाले चमड़े वाले शूज पहनो कहता है। नवेदू लेदर शूज। तो दोस्तों यहाँ आ गई है हमारी खिचड़ी। यहाँ देखिए खिचड़ी और साथ में टमाटर की चटनी, रोटी, इतना कुछ बना है और हरी सब्जी। ये है आज की खातिरदारी। देखा इसकी बुआ को कितना कुछ मिल गया। वेदू देखा खिचड़ी, टमाटर की चटनी, हरी सब्जी, रोटी, ये है आज की खातिरदारी। ये उन्हें मिर्च मेरी फेवरेट, तो मैं बैठ के खाती हूँ। खिचड़ी विचड़ी खा के अब मैं जा रही हूँ घर। मुझे मार्केट से थोड़ा लेना है मंदिर का सामान, यानी कि जो कल पूजा है उसका सामान। तो उसके लिए यहाँ पर देखती हूँ कहीं पे दूध मिल जाए तो दूध तोड़ूंगी और फिर भाई छोड़ेगा मुझे। वेदू भैया आ रहा है मुझे छोड़ने के, साइकिल से छोड़ेगा वेदू। हाँ तो भाई छोड़ने जाएगा मुझे ठंडे के मारे। हमने कहा चलो गाड़ी से चलते हैं। वेदू चल रहा है गाड़ी, उसको भी ले आए है? वेदू भी आ रहे हैं। ये पापा नीले जा रहे करके किसके मुंह में देखो, नीले जा रहे हैं। जाओगे आप? पापा तो बुआ को छोड़ने जा रहे हैं ना, अभी बुआ को छोड़ के आ। चलो भाभी जाते हैं। ठीक है हाँ ठीक है, फिर आना। हाँ तुम आ जाना यार, सब भाई जाएगा छोड़ने। देखो अरे यार ले जाओ बाबू, ले जा फिर ले। अभी आ जाएंगे पापा। पापा नहीं ले जा रहे करके कैसे रो रहे हैं। चलो बाय। दोस्तों यहाँ तो हो रहा है घनघोर कोहरा और अभी भी आ गया मेरा दूसरा भाई राहुल दादी, तो अभी छोड़ रहा है मुझे। लेकिन गाड़ी इतनी हल्की चला रहा है कि इससे ज्यादा तेज बगल में ऑटो वाले चले जा रहे हैं। हल्के चलाने का कारण ये है कि इसका टायर पंचर हो गया है ना भैया। मैं उतरूंगी मार्केट, वहां से खरीदूंगी सामान पूजा का और फिर से दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ। अब मुझे तोड़नी है बेल पत्रियाँ, क्योंकि मंदिर का सामान तो सारा कुछ ले लिया मैंने, अब बेल पत्री तोड़नी है। तो मैं बेल पत्री के पेड़ से बेल पत्र तोड़ के इकट्ठा करती हूँ। कल यहीं पर होगी पूजा इसी कमरे में। दोस्तों ठंड की वजह से हमने फिर से आज आग जला के रखी हुई है और कल की पूजा का हमने सारा काम तैयार कर दिया। मुझे घर आके बहुत सारा काम करना था, बेल पत्री वगैरह धो के रखनी थी, गिन के रखनी थी 108, क्योंकि जो कल जो पूजा है उसमें सब कुछ 108 चढ़ता है, 108 शिवलिंग बनते हैं, 108 बेलपत्री। तो कुछ सामान तो दादी ने सेट करके रखा था, कुछ सामान मैंने कर दिया और हम मैं और पीहू बैठ के यहाँ पर आग सेक रहे हैं, क्योंकि आज ठंड भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। 108 चीज़ें मिल भी गई। हाँ 108 चीज़ें सब, 108 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, दूब,
जौ तिल सारा सामान सब हमने सेट करके रखा हुआ है। तो कल आपको बहुत अच्छा ब्लॉग मिलने वाला है भोले बाबा का, यानी कि कल जो है शिवाचन। तो आपको कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोग उसे प्लीज़ मेरे कल के ब्लॉग को पूरा देखिए। आपको दिखाऊंगी कि कल हम भोले बाबा की कैसे पूजा करते हैं हर साल। तो कल है बहुत अच्छा शिवाचन, जो मेरा इस महीने जो पिछले साल का था वो शिवाचन रह गया था, तो वो मैं इस बार कर रही हूँ, क्योंकि इस महीने के जो पहले शिवाचन जब होते हैं तब अदमास पड़ा हुआ था, इसलिए तब पूजा नहीं हो पाई। तो इसलिए अब हम पूजा करेंगे, वही जो शिव जी की पूजा होती है उसमें 108 शिवलिंग बनाए जाते हैं। काम करते करते घर में यहाँ हो गई है भयंकर लड़ाई, जो लड़ाई का कारण है ये, इसने बहुत लड़ाई कर दी, यहाँ बहुत लड़ाई हो चुकी है। तो मतलब तुम अच्छे से क्या कह रही थी उससे? मैंने बोला था दरवाजे खोल ले, जबरदस्ती वहां से सोने का अंधेरा कर दिया। मैंने इतने बार अच्छे से बोला उससे, मतलब तुम दरवाजा, मैंने बहुत बार सुना, तुम गप्पे लड़ाओगी तो कैसे सुनाई देगा? तुमने सुना तुमने नहीं तो नहीं, तुम दरवाजा क्यों खुलवा रही थी बेटा? तुम्हें काम, अब तुम्हें काम सुनने की आदत हो गई, मेरी गलती नहीं है। अब तुम्हें तेज आवाज सुनाई देती है, तभी तुम्हें तेज सुनाई दिया ना। तो सब कुछ शिवा जी ने मारा है बहुत जबरदस्त इसको, तो ये इसकी गलती नहीं है यार। वैसे इसने कहा, वो कहा इसने कि पीयू दरवाजा खोल, कहा ना तूने पहले? बोला ना मैंने उसको, और फिर उसके बाद चिल्लाने के बाद भी उसने बोला, पहले अच्छी से बोल तब भी अच्छी से बोला मैंने उससे। तो बेटा ये गलत बात पहुंचने तक तुम्हारी बात ही क्यों जाती है? पहले अच्छे से कह दो। और अच्छी से बोला था ना मैंने, तुम जा क्यों रही थी वहाँ? दोनों बच्चे, मेरी बेटी देखो कैसे बैठी हुई है। चल बेटी चल फटाफट, क्या कौन सी लासा नहीं, मैं नहीं बता रही टोपी दे कह रहा है, देख सी भाती से भी हट जा, तेरी भी पड़ जाएगी। चलो नहीं दे रही बाबू, एक बार दे तो क्या करती है, एक बार दे तो सही क्या करती है, दे दे यार। क्या पहले पहुंच गई है ये देखिए, और एंट्री एंट्री में कैसे कर रखा है, देखती हूँ तूने एंट्री में आज क्या हाल कर रखा है। हाँ इसको प्यास लगी है, देख गमले में पी रही पानी। हाय राम, ओह माय गॉड, मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, मेरी पानी मांग रही है, उसको ग्लास से उसको पानी दे। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और बच्चों को भी पढ़ाना है और कल की भी तैयारी करनी है। तो आज का ब्लॉग में है पूजा स्पेशल ब्लॉग, तो कल बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। कल का ब्लॉग आप लोग जरूर देखिए, और आज का ब्लॉग वहीं पेंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट।